आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहे। और कविता बीज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात को। रात को कितने बजे कर रही हूँ? अभी 12:10 है। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत इस समय पर कर रही हूँ, और वो क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल है 8 तारीख, और 8 तारीख को है सिन का बर्थडे। तो टुक टुक चुनमुन निशा लोगों ने केक लाया हुआ है, जो कि सिन को नहीं पता है। अभी सिन अपने रूम में पढ़ रही है, तो उन्होंने केक लाया हुआ है। सभी बच्चों ने प्लानिंग की हुई है और केक लाया हुआ है। तो हम लोग 12 बजे सिन के कमरे में जा कर के केक काटने वाले हैं। और आजकल जोशीमठ से मेरा भाई जयदीप और नवीन भी आए हुए हैं, तो सब लोग अभी बाहर डाइनिंग हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं 12 बजने का। और अभी कोई नहीं सोया है, सब बैठे हुए हैं। और सिर्फ सोम को नहीं बताया हुआ है, क्योंकि सोम के पेट में होता है दर्द। सोम को अगर पता चलेगा तो सोम सिन को बता देगा, इसलिए सोम को नहीं बता रखा बच्चों ने, सोम को नहीं पता है। तो आप लोग ब्लॉग में यूँ ही बने रहना, तो मैं आपको 12 बजे दिखाने वाली हूँ कि बच्चे किस तरीके से सिन्नों को सरप्राइज़ करने वाले हैं, और किस तरीके से केक वेक काटेंगे। केक तो मैंने भी नहीं देखा है, इससे पहले उन लोगों ने ब्लॉग की शुरुआत कर ली थी, थोड़ा बहुत बना लिया था। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ, क्योंकि अब मात्र 5 मिनट है 12 बजने में। तो मैं आपको ठीक 12 बजे मिलती हूँ, आप लोग ब्लॉग में यूँ ही बने रहना। गाइस, जय बद्री विशाल। तो आज हम लोग ब्लॉग की स्टार्टिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है सिंधी का बर्थडे। अभी हो रहा है 3, आज नहीं है कल है, मतलब कल। अभी 11:35 हो रहा है, तो दिख नहीं रहा बट हो रहा है। तो हम लोग उसके लिए केक लाए हैं, और हमने मतलब रात को केक कट करवाते हैं जैसे हम, तो इस बार भी वही करवाएंगे। और बस अब आपको दिखाते हैं केक। चुनमुन केक लाया था शाम को, अब जब 12 बजे की तो दीदी आएगी नीचे केक लेके, और हम लोग केक कटिंग करेंगे। यस, दिखा केक। गाइस, हम लोग केक ऊपर रखवा के आ गए हैं। अब निशा दीदी आएगी 12 बजे। हमारी टीम में मतलब हम सबको पता है, मेरे को, इसको, इसको और निशा दीदी को, निक्कू को, बस सोम को नहीं पता, क्योंकि उसके पेट में दर्द होने लग जाता है और वो चिल्ला के बता देता है। पहले ये भी ऐसा ही था, लेकिन अभी ये सुधर चुका है। और अभी यहाँ पे हम सब लोग 12 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओम भी आ चुका है, और इधर बाहर पे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं पूजा, जयदीप और सोम, और नवीन अभी अपने कमरे में गया है। तो हम सब लोग अभी 12 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 12 बजेगी और कब लेकर के हम केक लेके सिन के कमरे में जाएंगे। और अभी चल रही है तैयारी, क्योंकि बजने हैं 12, और यहाँ एक के पेट में दर्द होने लग गया, एक को हल्का हल्का पता चल चुका है। ये देखिए क्या है आज, क्या है बेटा? चलो 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 चलो, आओ भाई। ये देखिए आ गया इस पे फिर। ऐसे क्यों चिल्ला रहा? चला वो इसका पेट में दर्द होने लग गया था इसके। और अभी सब लोग आ चुके हैं सिन के कमरे में, और बज चुके हैं रात के 12। ये देखिए, कोई आज सोए नहीं थे, और केक पे इन्होंने आज सिन को कुछ खास लिखा हुआ है। ये देखिए छोटू, छोटू लिखा हुआ है। छोटू क्यों लिखा हुआ है रे तुमने, ये भी बता दो। क्योंकि ये छोटी है उसकी हाइट। ये देखो हाइट छोटी है कह के तो छोटू लिखा हुआ है। घर में सबसे छोटी यही है, तो ये है छोटू का केक। छोटी हाइट में बच्चों में से तो तू है। चल भाई काट, ये टेबल रख दो। इसलिए नहीं बताते हैं कि वो पहले ही बता देते हैं। अभी हल्का हल्का पता चल गया था, तो पेट दर्द शुरू हो गया था। ओम भी बताते हैं, लेकिन ओम अब समझदार हो गया। और ये सिन ए, ये देखिए
कट गया इस सोम की यही हरकत है बेटा, जिसका बर्थडे होता है वो काटता है। और ये देखिए सिंसिन अभी विश मांग रही है, जो कि मांग चुकी है, मांग ली तभी ये केक कटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सिंसिन। बर्थडे तेरा है, हैप्पी बर्थडे जियो जी, हजार वही तो जीने तो दे रखे, तुम जियो और हमें खुशखबरी दो। क्यों भाई खिलाएंगे भाई, आ जाओ वही तो मामा लोग सीधे इतने बड़े बड़े मुंह खोल रहे हैं कि हम खिलाएंगे ऐसे मामा है, इतने बड़े बड़े मुंह खोल रहे ये नहीं कि हम खिलाएंगे कैसे। और ये इस जोकर को देखे, इस पे तो बाप है, दीदी को खिलाने आया तूने, दीदी का बर्थडे है। अरे हाँ का दीदी खिला, उधर दी हमसे खा ले तू, दीदी को खिला, चलो खिला दिया उसने, अब मैं भी खिलाऊंगी जरा, चलो खिलाओ सब खिलाओ, पिलाएगी ये बहुत ही बदतमीज है, खाना खा ले बेटा हो गया रे, मेरे भी बहुत तरह का है। हाँ तो तू डर जा, तेरा सिन्नू का जीना आराम कर, जीना आराम कर देंगे, और निकला दे एक एक करके खिलाओ। अब निशा खिला रही है, ये देखो निशा को भी इन्होंने ऐसे ही किया था, भूत बनाया था, ये देखो ऐसा बर्थडे मनाते हैं ये लोग। चलो भाई निखू ने खिला दिया, निखू तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे नींद में सो गया था, शर्म आती है ना उसको, मम्मी सिंधी जी को निकाल दो, इंट्रोवर्ट है वो, सबसे शरीफ इनमें निकू था, जो निकू ने बड़े इन्होंने क्योंकि हमारे भी लगाए तो हम क्यों ना लगाए, अब वो उनकी बारी है। अरे सिंधी जी और ये अभी सिंसिन वॉशरूम में है, अपना फेस साफ कर रही, इधर देख हो गया भाई, हो गया सुबह तो नहाना ही है, यहाँ देखो पूरा इतना केक बर्बाद कर दिया इन्होंने, जल्दी आप बाहर अभी सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। किसका बर्थडे था, मेरा सबसे खतरनाक प्राणी यही है, मेरा तो मजबूरी हो गई कि केक खाने को मिल चुका है पूरा, मजबूरी हो गई, ये देखो तुम्हारा घपा घप मैंने निकालना, किसी करके कौन बोलेगा हैप्पी बर्थडे, किसी करके बोलो, हाँ ढंग से बोल, बोल दिया उसने, हैप्पी बर्थडे, केक खाने की देर हो रही। और ये देखिए ये कौन लाए, निशा, अच्छा निशा ने दिया है सिंसिन को, सुल्टे में दिखाना, इतनी ज्यादा केक क्यों लाई, वो चॉकलेट क्यों लाई, अरे वो कुछ मिल ही नहीं रहा था मेरे को ऑनलाइन, आज तो जरूरी थोड़ी ना है भाई, ये चीजें जरूरी नहीं है, जिस दिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी उस दिन, अभी खाली ऐसे इंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों सिंसिन, सिंसिन तो खुश हो रही, चलिए आप 800 में चल इधर ला, मम्मी पापा का भी कल गिफ्ट दिखेगा तो स्टे ट्यून्ड, हाँ मम्मी पापा का, मम्मी पापा का एक ही गिफ्ट है, सूरज मामा का भी तो बर्थडे कर ले, हाँ तो बोल दो भाई सूरज मामा को भी इसमें, तो मामा को हम कल करेंगे, 9 तारीख को नहीं आता मामा को, परसों नहीं है, परसों ना 12 बज गई, कल 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 8 तारीख, कल 8 है, हाँ कल 8 है, आज 8 हो गई कल 9 हो गई, ये देख मेरा पापा का बर्थडे है, कैसा हो रहा, ठीक हो रहा केक, लो सबको दे दे इनको, निशा लोगों को सबको पकड़ा, लो भाई सब बच्चे खा लो केक, इधर अभी पूजा सब बच्चों को दे देगी केक, और 12 बजे तक इनके किसी की आंखों में नींद नहीं, यार सबसे खतरनाक कीटाणु तो ये है हमारे घर का, कसम से सबसे खतरनाक कीटाणु है, और इसको नहीं पता था ना इस प्लानिंग के बारे में, नहीं तो ये खोल देता था सारे राज, उसने ऑल
इसको अभी अभी जब केक आया तो चिल्लाने लग गया था बारी से हैप्पी बर्थडे, अरे हाथ जोड़ जोड़ के चुप कराए, चल अब 12 बजने दे, हमने कहा खा लो खा लो फिनिश कर लो, जयदीप औरों को भी दे दे, खाओ रे इन दोनों को दिखा दे, औरों को तो कोई बात नहीं, चुनमुन ने खा दिया कौन है, ये इतने ही तो बच्चे हैं, तमी इससे खा रहे सिंसिन को पता था केक ला रखा, पता तो नहीं था पर आज देख बोल दिया था मैंने, मामा के हाथ में केक जैसा कुछ, अब तो ये पता तो था ही मुझे कि केक तो कटेगा ही, वो तो हर साल कटता है, वो तो रिचुअल हो गया अब हमारा कि 12 बजे कटना है, तो ना बताए हुए भी पता ही चल जाता है कि हमसे 12 बजे नहीं 3 बजे अभी अब, हाँ वही अब दूसरी बार हमने क्या करना है कि तुम इंतजार 12 बजे, हमने इन 12 बजे कुछ बोलना ही नहीं है, अब दिखाना ही नहीं है, सीधा दूसरे दिन केक कट होगा, पिछले साल तक तो मम्मी पिछले साल सुबह सोनी गए थे आप मेरे बर्थडे उसमें आए उठके, तब कह रहे हमें नींद आ गई थी आप और पापा, हाँ पहले रुके रहे बाद में आंखें लग गई, बीसवे में प्रवेश कर लिया है सिंसिन ने, वो देखो चॉकलेट ले गया, बहुत जल्दी कुछ अच्छी खुशखबरी भी दे देना जिससे कि मन गदगद हो जाए और हम इससे भी बड़ा केक, क्यों नहीं सा, मैंने कहा दोनों को ऐसी अच्छी खुशखबरी दो कि हम इससे भी बड़ा केक काटे, भाई वो तो शादी के बाद इंतजार रहेगा हमको इस चीज का, बर्थडे का तो हर किसी का कटता है, बर्थडे का तो सबका कटता है, वो क्या कह रहा शादी के बाद मिलेगी बल कुछ इसका तो सही तो कह रहा मैं किचन में रखूं और कुछ नहीं होता है जीवन में, शादी के सिवा इसका शादी है, शादी पे अटक रखा है, वो तो नहीं है शादी, इसकी शादी करवा देते पहले, तो चलो अब सो जाओ या पढ़ाई कर रहे पढ़ाई करो, ये थोड़ा साफ कर दो नहीं तो सुबह तुम्ही को मुसीबत खड़ी हो जाएगी, पूरा घर केक से कर दिया इन्होंने खराब, ओके बाय गुड नाइट, बाय बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं, चलते हैं हम लोग भी अपने कमरे में, देखिए अब सोम भी जाने लग गया है सोने को, सोम सिर्फ इंतजारी में केक के बैठा हुआ था, सोता तो ये रात को लेट ही है, 1:30 बजे से पहले ये कभी नहीं सोता है, क्यों सोम टेस्टी हो रहा था केक, असिनु दीदी को कहा तूने पार्टी देना मुझे कल, वो देख उठा चल जा सोने जा, हो गया चॉकलेट बढ़ चुकी है जो कि गिफ्ट में लाई थी, चलो ठीक है गुड नाइट, गुड नाइट भाई सो जाओ सब लोग, सोम भी चला गया है सोने के लिए, सोम गुड नाइट, कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा, भाग्य चलो ठीक है, और अभी सिंसिन के पापा का भी फोन आ रखा है सिंसिन को 12 बजे विश करने के लिए, कब का आ गया था पर मम्मी ने उठाया ना, अरे तो मैं वीडियो बना रही थी ना तो इसलिए नहीं उठा पाई, तो हो गया ना बोल दिया ना पापा ने, हेलो अब बोलो क्या, चलो ठीक है हैप्पी बर्थडे सिन्नू, थैंक यू गुड नाइट ठीक है, सो जाओ सबकी नींद हराम कर रखी सिन्नू ने, मैंने चलो ठीक है सो जाओ ठीक है, और फिलहाल हम लोग केक काट करके आ चुके हैं हमारे कमरे में, और मेरे साथ सोते हैं दो मेरे बॉडीगार्ड, एक है ओम और एक है चुनमुन, तो चुनमुन अभी पढ़ाई कर रहा है, चुनमुन नहीं आया है, 12:15 भी हो चुकी है और 12:15 बजे ये देखिए इसकी टीवी चल रही, हड्डी तोड़ दूंगी, टीवी बंद कर और सो जा, चल उधर जा सो जा, टीवी बंद कर, मेरी जो मूवी लगा रखी थी उसको लगा, ये वही थे, हाँ तो तू सो जा मैं देखूंगी, समझ गया सो जा, आप सुना मैं हड्डी तोड़ूंगी, मैं सो जाऊ मतलब तू सो जा, मैं थोड़ी देर में, आप मेरे से लेट सोते हो, हाँ तो क्या हुआ तुम मेरे साथ सोएगा, मेरे से आप लेट सोते हो क्या, हाँ जब मैं उठे रहता हूँ तब आप सोते हो, तो मैं क्या हुआ तुम्हें वो देखती हूँ ना, मूवी नाइट है आज, तू तेरा भी हो गया बंद कर दे बाहर,
थोड़ा झाड़ू लगा रही था वो। और ये आ गया दूसरा बॉडीगार्ड। मूवी नाइट है आज, मूवी नाइट, सो जाओ, कल संडे है। संडे में थप्पड़ मार दूंगी, अलार्म रख दे सुबह का। हाँ एक दिन देर तक सुबह मेरा चप्पल होगा तेरा थोपड़ा होगा, मैंने बता दिया। सुनमन तो अपनी जिद मत किया कर, अलार्म रख, पढ़ा रखा संडे वाला। बोर्ड वालों के लिए कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, ज्यादा नौटंकी दिखा रहा। तो दोस्तों सब लोग सोने के लिए अपने रूम में चले गए हैं, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और जो आगे का कल बच्चे कुछ करेंगे, वैसे तो अब बड़े हो गए, सिनसिन भी मना करती है पार्टी वार्टी करने के लिए, तो केक तो कट चुका है, केक तो हम काटते ही काटते हैं, लेकिन सिनसिन मना करती है पार्टी करने के लिए, तो पार्टी वार्टी तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, होगी भी तो वो आप लोगों को कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा, और नहीं भी होगी वो भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीज़ें लेकर के। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, और सिनसिन के बर्थडे पर आप सब लोग सिनसिन को इतनी दुआएँ देना, इतनी दुआएँ देना कि सिनसिन का आगे का भविष्य और उज्जवल हो और उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड नाइट।